नमस्कार दोस्तों फेज़ मॉड्यूलेशन जो टॉपिक है वो हम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं इस वीडियो में फेज मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में फ्रीक्वेंसी डेविएशन और मॉड्यूलेशन इंडेक्स का क्या रिलेशन रहता है वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो जो एंगल मॉड्यूलेशन का फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें बताया था कि जो आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो बेसिकली एफ ऑफ आई दैट इज इक्वल टू एफ सी प्लस वन बाई टू पाई डी फाई बाई डी टी होता है तो मैं इसी रिजल्ट से यहाँ पे स्टार्ट करूँगा अपना एक्सप्रेशन जैसा कि हमें पता है कि एफ ऑफ़ आई इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ सी प्लस वन बाई टू पाई इंटू डी फाई बाई डी टी होता है ठीक है एज पर द डेफिनेशन ऑफ फेज मोडुलेशन हमें पता है कि जो फाइ है वो क्या होगा दिस इज़ के पी इन टू एम ऑफ़ टी एम ऑफ़ टी आपका मोडुलेशन मोडुलेटिंग सिग्नल है अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा एफ ऑफ़ आई दिस इज इक्वल टू एफ सी प्लस वन अपॉन टू पाई और ये आप कर लेंगे यहाँ डी बाई डी टी किसका फाई की बजाय आप ये वैल्यू पुट कर लीजिए दिस इज के पी इन टू एम ऑफ़ टी राइट के पी आपका कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा तो ये लिखोगे एफ सी प्लस के पी डिवाइडेड बाय टू पाई इनटू डी एम ऑफ़ टी डिवाइडेड बाय डी टी अब एम ऑफ़ टी जो है आपका वो बेसिकली क्या होगा एफ ऑफ़ सी को आप चाहें तो लेफ्ट साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ आई माइनस एफ ऑफ सी दिस इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय टू पाई डी एम ऑफ टी बाई डी टी ठीक है अब ये वैल्यू क्या होती है एफ ऑफ आई माइनस एफ ऑफ सी ये आपका फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है तो इसको हम क्या लिखेंगे डेल एफ राइट अगर ये मैक्सिमम हम चाहें तो कितना होगा मैक्सिमम कितना होगा जो आपका डेरिवेशन वैल्यूज है ये मैक्सिमम होगा तो के पी अपॉन टू पाई ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है बाकी बचा फैक्टर आपका मैक्सिमम हो तभी ये वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है तो बाकी बचा फैक्टर क्या है डी ऑफ एम ऑफ़ टी डिवाइडेड बाई डी टी राइट अब एम ऑफ टी सिग्नल हमें पता है एक सिंगल टोन सिग्नल है जो ए एम कोस ओमेगा एम इन टू टी इससे प्रेजेंट किया गया है इस वैल्यू को यहाँ पे आप जब पुट करेंगे तो क्या होगा डेल एफ मैक्स यानी फ्रीक्वेंसी डेविएशन मैक्सिमम जब होगी दिस इज इक्वल टू के पी अपॉन टू पाई और यहाँ ये वैल्यू पुट कर दीजिए ए एम आपका बाहर आ जाएगा राइट और बाकी बचा फैक्टर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा सो दिस इज डी ऑफ व्हाट कोस ओमेगा एम इन टू टी डिवाइडेड बाई डी टी अब इसको आप क्या करेंगे ये वैल्यू क्या होनी चाहिए ये वैल्यू मैक्स होनी चाहिए राइट right? इसको आप डिफ्रेंशिएट करें और उसके बाद वैल्यू क्या मिलेगी आपको दिस इज इक्वल टू वाट के पी एम कोस ओमेगा एम इंटू टी कोस को आप माइनस साइन लिख दोगे और ओमेगा एम यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा एम यहाँ लिखेंगे माइनस साइन ओमेगा एम इंटू टी इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए डिवाइडेड बाय टू इंटू पाई ओमेगा एम को क्या लिख देते हो टू पाई इंटू एफ एम टू पाई से टू पाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे आप के पी एम एफ एम माइनस साइन ऑफ ओमेगा एम इंटू टी ये जो वेव फॉर्म है ये कैसे बनेगी देखो बच्चों साइन वेव कैसे बनती है ये ऐसे बनती है राइट लेकिन माइनस साइन ऑफ ओमेगा एम है तो कैसे बनेगी वो ऐसे बन जाएगी राइट बट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी ना ये आपकी मैक्स वैल्यूज़ है ये इसकी मैक्स वैल्यूज है तो माइनस साइन ओमेगा एम टी जो रिलेशन है वो ये है इसकी वैल्यू मैक्सिमम आपकी वन होगी वन यहां आप देंगे तो यहां पे एक मिल गया, आपका जो है वो मैक्सिमम ये आ चुका है अब मैं क्या चाहता हूं अब मैं चाहता हूं कि मेरा मिनिमम वैल्यू भी आ जाए तो मिनिमम वैल्यू कैसे आएगा मिनिमम वैल्यू डेल एफ मिनिमम कितना होगा यहां मैक्सिमम लिखा था यहाँ मिनिमम लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा के पी डिवाइडेड बाय टू पाई इनटू मिनिमम वैल्यूज ऑफ व्हाट डी एम ऑफ टी बाय डी टी ठीक है सिग्नल वही है मिनिमम वैल्यूज आपकी माइनस वन होगी राइट right? तो इस तरीके से आप क्या करोगे एम ऑफ टी को यही वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा के पी एम आपका बाहर है ओमेगा एम भी आपका बाहर आ जाएगा जिससे टू पाई टू तो पाई इन टू एफ़ एम वो आपका कैंसिल हो जाएगा और जो मिनिमम वैल्यूज़ बचेगी वो आपकी माइनस वन बचेगी क्योंकि माइनस साइन ओमेगा एम इन टी की ये मिनिमम वैल्यू है दोस्तों और ये वैल्यू आपकी माइनस वन होती है क्योंकि साइन सिग्नल हमेशा वन और माइनस वन के बीच में ही लाई करता है उसकी मिनिमम वैल्यू अगर चाहते हो तो इसका मिनिमम वैल्यू माइनस वन होगा यहां से बिल्कुल क्लियर है डेल एफ ऑफ मिनिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू माइनस के पी एम एंड एफ एम ये वैल्यू आपकी आ चुकी है राइट right? अब हम क्या चाहते हैं अब हम चाहते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम है वो देख लीजिए क्या है ये है आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन राइट दिस इज इक्वल टू के पी ए एम इन टू एफ एम अगर मैं यहाँ पे एफ एम मल्टीप्लाई एफ एम को मैं नीचे ले जाऊँ तो क्या होगा दिस इज डिवाइडेड बाई एफ एम तो ये वैल्यू क्या बनेगी दिस इज इक्वल टू वाट के पी इं टू एम राइट right? और के पी ए एम पिछले वीडियो में मैंने बताया दिस इज द मोडुलेशन इंडेक्स ऑफ फेज मोडुलेशन सो इसका मतलब ये हुआ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मोडुलेशन इंडेक्स दैट इज बीटा ये वैल्यू यहां पे आ चुकी है ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाल लिया और ये भी आपका एक ये रिजल्ट है इसके साथ एफ एम से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये रिजल्ट यहाँ पे आ गया एंड बीटा क्या है बीटा इज दोडुलेशन इंडेक्स तो ये जो रिजल्ट आया है इसको हम कहेंगे मोडुलेशन इंडेक्स किसका फेज का राइट right? अब यहाँ पे इन जर्नल भी मैं आपको बता दू कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा मॉड्यूलेशन इंडेक्स ही रहता है यहाँ पे बाकी बचा मैथमेटिकल पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है नेक्स्ट वीडियो में फेज़ मॉड्यूलेशंस के बेसिस पे तीन या चार अलग अलग नोमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और इन फार्मूलेज़ को बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स के साथ कैसे अप्लाई करना है दिस इज़ दी एंड ऑफ द वीडियो Thank you so much for watching this video.